और प्रदीप हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं निर्माण भवन से। प्रदीप आपके पास आते हुए, चूंकि ये भी बहुत हाई प्रोफाइल इलाका है जहां पर मतदान केंद्र है, बड़े बड़े लोग चेहरे पहुंच रहे हैं और आपकी रिपोर्ट हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रदीप, तकरीबन सवा घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, क्या अपडेट आपके पास, वहां पर क्या देख पा रहे हैं, किसके आने का इंतजार, कौन कौन आ सकता है? प्रदीप देखिए, बिल्कुल, और काफ़ी हाई प्रोफाइल पोलिंग बूथ है ये। यहाँ पर कई हाई प्रोफाइल राजनीतिक हस्तियों ने अपने वोट कास्ट किए हैं। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर सोनिया गांधी पहुँचने वाली हैं, मनमोहन सिंह आने वाले हैं, अभी वोट कास्ट करके आए हैं, वोट डालकर आए हैं बीजेपी के पूर्व संगठन महामंत्री रामलाल। रामलाल जी, आपने वोट डाल दिया है, क्या अपील करेंगे आप? देखिए, सब लोग घर से निकल करके अधिक से अधिक मतदान करें, यही आज सबसे अपेक्षा है, क्योंकि चुनाव प्रदेश का 5 साल का भाग्य निश्चित करता है। दिल्ली में विकास यदि करना है तो विकास वही सरकार कर सकती है जो केंद्र की सरकार से मिलकर चले, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए दिल्ली के लोग सरकार वो चुनेंगे जो केंद्र सरकार से मिलकर चले, लड़े नहीं। चुनाव आयोग ने भी कहा है अधिक से अधिक मतदान करें, तो मतदान के लिए कागज दिखाना बहुत जरूरी है। आज कागज दिखाने वाले लोग जीतेंगे, जो ये बराबर 2 महीने से कर रहे हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे, उनको भी या तो आज कागज दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कागज नहीं दिखाने वाली मानसिकता आज हारेगी। आप बड़ा जिक्र कर रहे हैं एनआरसी सीए कानून को लेकर, विरोध प्रदर्शन शाहीनबाग तक हमने देखा है, आप क्या इसका असर देखते हैं चुनाव में? देखिये, मैंने बताया कि कागज नहीं दिखाने वाली मानसिकता हारेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है बिना कागज दिखाए वोट नहीं कर सकते। और अगर देखें इस चुनाव में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाते नजर आते हैं, ये कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो वो झारखंड में नहीं चले, दूसरे के प्रदेशों में नहीं चले, आपको दिल्ली में क्यों उम्मीद है? हर प्रदेश की अलग अलग स्थिति होती है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के साथ मिलने वाली सरकार ही लोग चुनेंगे। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी सरकार की बात करें, बिजली पानी की बात हो या फिर जो लोगों को सहूलियत देने की बात हो, उन्होंने उस चीज पर ये मुकाबला लड़ा है। चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण की राजनीति की है दिल्ली में। देखिए, मैंने पहले ही बताया, जनता अपने आप ध्रुवीकरण कर देती है, कोई राजनीतिक दल ध्रुवीकरण नहीं करता। जनता देखती है कि हमारा हित किस में। और क्या, कितना आश्वस्त हैं आप इस पूरे चुनाव को लेकर? यानी देखेंगे, कहीं ना कहीं इशारों में काफी कुछ कहकर गए हैं पूजा रामलाल, जो बीजेपी के पूर्व संगठन महामंत्री रहे हैं, और इस चुनावी मुकाबले पर नजरें इस लिहाज से भी लगी है, दिल्ली जिस तरीके से इस चुनावी मुकाबले में अलग अलग मुद्दों को लेकर उलझता हुआ दिखा है, अब लोगों की बारी है कि वो अपना जवाब देंगे, जो जनता है वो अपना जवाब देगी, और इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। इस बीच मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये तस्वीर, मेनका गांधी यहाँ पर अपना वोट डालने आ गई हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। मेनका गांधी इस वक्त पहुंच चुकी हैं पोलिंग बूथ पर, अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर आई हैं। जो निर्माण भवन का ये पोलिंग बूथ है, अब वो पहुंच गई हैं और कुछ देर बाद ही अपना वोट कास्ट करेंगी। करीब 10:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आएंगे, और इसके अलावा सोनिया गांधी आएंगी 11 बजे के आसपास, उनके साथ मौजूद रहेंगी प्रियंका गांधी भी, ये शेड्यूल बताया जा रहा है। तो ये जरूर है कि ये जो इस वक्त तस्वीरें हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यहाँ पर अपनी पर्ची का इंतजार कर रही हैं और उसके बाद वो वोट कास्ट करेंगी। चुनाव जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो उनके पर्ची को वेरीफाई कर रहे हैं और उसके बाद अब वो अंदर जाएंगी, वोट डालेंगी। काफी महत्वपूर्ण ये पल है, महत्वपूर्ण इस लिहाज से, क्या अपील करेंगे मेनका जी आप चुनाव को लेकर, क्या मैसेज देंगे आप? पहला क्या मैसेज देंगे आप? बीजेपी को वोट दे। लेकिन एक बड़ा दिल्ली का चुनावी मुकाबला है, वोट फॉर बीजेपी और अपना वोट कास्ट करने के लिए वो आगे बढ़ गई हैं, पोलिंग बूथ की तरफ चली गई हैं। इंतजार रहेगा बाहर आकर क्या कहती हैं, लेकिन काफी हाई प्रोफाइल ये पोलिंग बूथ है, 2 पोलिंग बूथ इसके अंदर है, 79-80, जिसमें 79 में 680 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पोलिंग बूथ है वो काफी हाई प्रोफाइल इस नजरे से, 1126 मतदाता उसमें हैं। कुल कितने मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे ये 6 बजे के बाद साफ होगा, लेकिन अलग अलग दिल्ली के इलाकों में जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, लोगों को जागरूक किया गया है, चुनाव आयोग की ओर से मुहिम चलाई गई है, और उसमें वो ज्यादा से ज्यादा लोग आए,
मताधिकार का इस्तेमाल करें और हाई प्रोफाइल लोग ब्यूरोक्रेट्स इसके अलावा राजनीतिक हस्तियां ये लगातार मैसेज दे रही है कतार में लगकर कि आम लोग भी अपना हाँ। वोट कास्ट करें वोट देने के लिए आए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें क्योंकि आज उनकी बारी है जनता की बारी।